मैं कल बाजार गई थी तो ये नेल पॉलिश लाई। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, मुझे भी लेनी है। किसी दिन जाऊंगी इनको लेके। किनको लेके? इनको नहीं, पड़ोसन को लेके जाऊंगी। फिर तो मैं भी चलूंगा। भाभी, आपने चावल बीन लिए क्या? चावल से कंकर बीन रही हूँ स्वीटी। हाँ तो वही हो गया आपका काम? अभी तो नहीं हुआ, क्यों? अरे मैं वो ऑफिस का काम कर रही थी, सोच रही थी इंदौर जाने से पहले कर लूं। कहना क्या चाहती हो, सीधे सीधे बोलो ना। वो काम करते करते मेरा सर दर्द दे रहा है। तो क्या चाहती, मैं अपना सर दे दूं? नहीं, वो चाय बना दो ना एक कप। ठीक है, बना देती हूँ, उसमें इतना क्यों सोच रही है? जाने मन, मेरे लिए भी एक कप बना देना। क्या बोले हो, जाने मन? ज्यादा दिखावा नहीं हो गया? सच कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए जाने मन भी हो। भी हो मतलब? मतलब तुम मेरे लिए जाने मन भी हो, जानलेवा भी हो। अरे आप चाय कहाँ से ले आई? कोई बेचने आया था क्या? बना के ले आई, और कहाँ से लाऊंगी? मैं सबके लिए बना देती ना। सबके लिए बनाई है भाभी, नीचे रखी है। जानलेवा देना तो। बुरी जी, जरा एक कप पकड़ा दीजिए उन्हें। वाह, भगवान के हाथों प्रसाद मिल गया, क्या किस्मत है। अच्छा मैं सोच रही थी, सुना है वो पूर्णिमा का पति रोज दारू पी के हल्ला करता है। हाँ मैंने भी सुना है, आपको किसने बताई ये बात? ओ महाराज, कहीं और जाके बैठ जाओ, औरतों की बातें सुनने में मजा आता है क्या? नहीं, मैं ये सोच रहा था महिलाओं को दूसरी महिला के घर में क्या हो रहा है, इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? अब हम लोग तुम आदमियों की तरह चौराहे बाजार घूमने तो जाती नहीं कि यहाँ वहाँ की बातें करें। तो जहाँ रहेंगे वहीं की बातें करेंगे ना। सारा जितनी खबरें महिलाएं वायरल करती हैं, उतनी सोशल मीडिया भी नहीं करती। अरे आप बताइए ना, वो पूर्णिमा के घर की बात आपको किसने बताई? अरे उसके बगल में कीर्ति रहती है, वही करती रहती है ये सब। क्या करे बेचारी, मुझसे बोल रही थी रात भर सो नहीं पाती हल्ला के कारण। हल्ला के कारण नहीं सो पा रही वो, या फिर इसलिए नहीं सोती कि कहीं अगर सो गई तो कहीं कोई ताजा खबर न छूट जाए। बीच में कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, पूर्णिमा कथा चालू रखो। वो आपकी सहेली है ना मोहल्ले में सोनाक्षी, वो नहीं आती क्या अब आपके घर? घमंडी हो गई बड़ी आई, खुद को पता नहीं क्या से क्या समझने लगी है। क्या से क्या समझने लगी है? तो घमंडी थोड़ी, चेक करिए, पागल हो गई होगी। नहीं नहीं, पागल नहीं हुई। क्यों बेचारी को बदनाम कर रही हो? एक समय में तुम्हारी कितनी पक्की सहेली थी, मुझे तो तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता था। मतलब मैं बीबी हूँ तो उसके अंदर भी बीबी दिखती थी? अरे कहने का मतलब, तुम दोनों कितना सम्मान देते थे एक दूसरे को। फिर क्या हो गया? फिर क्या, एक दिन नेहा सोनाक्षी के यहाँ कुछ सामान मांगने गई, उसने मना कर दिया। अच्छा? हाँ, उसने सामान नहीं दिया तो दोनों ने सम्मान देना भी बंद कर दिया। तो सही तो किया, अगर कोई चीज हमारे घर में है और कहे कि नहीं है तो कैसी दोस्ती फिर? बिल्कुल सही कहा आपने। वही तो, अगर कोई चीज हमारे घर में है और झूठ बोले नहीं है तो कैसी दोस्ती फिर? कितना गलत बोल रही हो। हाँ अच्छा, अभी यही बात भूरी जी बोल रही थी तब तो बोले बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा यही बोला था क्या, सेम टू सेम? तभी तो बोलती हूँ ना कि तुम्हें मैं हमेशा गलत लगती हूँ। वैसे भाभी क्या मांगने गई थी आप सोनाक्षी के यहाँ, जो उसने होते हुए भी नहीं दिया आपको? हो गया, रहने दीजिए, पुरानी बात है, क्यों याद करूँ? मुझे याद है, मैं बताता हूँ ना। अगर अपनी तरफ से कुछ मिलाया तो बताऊंगी। अरे सोनाक्षी के पास एक बंद गले का हार था सोने का, तो ये एक शादी में पहनने के लिए मांगने गई थी।
अच्छा तो दे देती ना, दोस्ती में तो इतना चलता है। सही बोली भाभी, घमंडी हो गई है वो। वो अगर बंद गले का हार इसको दे देती तो खुद क्या पहनती? उसे भी तो उसी शादी में जाना था, वो भी इसके साथ। चलिए अब मुझे खाना बनाना है, उठना पड़ेगा। इसे उठना नहीं, भागना कहते हैं। जो मुझे भी करना पड़ेगा लगता है।